नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को न्यू टाटा टिगोर BS6 में गाड़ी दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी है। पहले के बजाय काफ़ी उसको डिजाइन को सुधारा गया है और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही, बल्कि लग रही। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं पीछे पानी वगैरह इधर बहुत सारा दिख रहा है आपको, ये देखिए गाड़ी है। मैं इस गाड़ी के बारे में भी आपको पूरा रिवील कराऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप सब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोमल माझी। तो दोस्तों, ये रही टाटा टिगोर, गाड़ी भी अच्छी है और यहाँ का लोकेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। 175/60R15 यानी होता है रेडियल टायर, यानी 15 इंच का टायर है। गुडियर का टायर लगा हुआ एलाइबल के साथ, आप देख सकते हैं। इसे आगे बढ़ते हैं सर, तो ये आपको लाइट मिल जाएगी क्रोम फिनिशिंग के साथ, प्रोजेक्टर लाइट है, आप देख सकते हैं। इस पर काफ़ी अच्छे हैं। उसके नीचे जाऊंगा तो आपको फॉग लैंप मिल जाएगा, आपका इंटीग्रेटेड फॉग लैंप क्रोमिंग के साथ विथ DRL। आप देख रहे हैं ये DRL है, जो कि रात को काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों, आप नीचे ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगाया हूँ गाड़ी, ताकि आप ग्राउंड क्लियरेंस समझ सकें। दोस्तों, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। इसका डिजाइन भी काफ़ी अच्छा कर दिया है, सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ग्रिल वगैरह देखिए, आपके ट्री स्टाइल में ग्रिल कर दिया गया इसको, और सामने का जो एक क्रोमिंग लगा हुआ है, अलग से आपको इनबिल्ट नहीं करवाना पड़ेगा। जब भी आप टाटा टिगोर लेते हैं टॉप मॉडल, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगी। और ये बम्फर निकला हुआ है, प्रोटेक्टर भी, वो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है, बल्कि लुक देता है टाटा टिगोर को। और जैसे आप देख सकते हैं, सामने डिक्स और पीछे डरम रहता है। फिर आपका जाएगा ORVM यानी आउट रियर व्यू मिरर, ये इलेक्ट्रिकल है। जब ये चाबी से जब इसको आप लॉक करिएगा तो ये लॉक हो जाता है, यानी फोल्ड हो जाता है, ओपन करिएगा तो खुल जाए। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं इसको लॉक किया तो ये फोल्ड हो गया, इसे लॉक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। डोर पे जब आपका क्रोमिंग लगी हुई है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, लुक बढ़ता है गाड़ी का। ये जो आपका डोर हैंडल ओपन करने के लिए दिया रहता है, इसमें भी क्रोमिंग कर दिया है। मिरर का जो फोल्डेबल है, वो अंदर से भी एडजस्ट होता है और बाहर से भी हो जाता है, यानी कीस होता है, ये आपकी की रहती है, यहाँ पे दिया हुआ है अनलॉक लॉक। ये पीछे का जो बूट स्पेस है खोलने का, ये फॉलो मी होम लैम्प होता है, मैं आपको फॉलो मी होम लैम्प चला के दिखाता हूँ। बैक गेट में डोर हैंडल क्रोमिंग लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक में आपका जो बैक लाइट होती है, काफ़ी अच्छा है। पूरे बैक में आपका क्रोमिंग फिनिशिंग दे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। दो रियर पार्किंग सेंसर दिया हुआ है और आपका बैक कैमरा दिया हुआ है, आपका बैक कैमरा है। पहले के बजाय काफ़ी सुधार हुआ है टिगोर में, और इसमें पावर पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। मैंने चलाया कम से कम 150 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, इसके बाद मैंने आपको वीडियो बना के आप सबको दिखा रहा हूँ। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपका फुल मिलेगा, फुल स्क्रीन पे पूरा ऊपर रहता है। स्टॉप लैंप है लेकिन ये सबसे ऊपर है, इसलिए इसको हाई माउंट स्टॉप लैंप बोलते हैं। और इसमें आपका शार्फिन एंटीना मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना इसलिए बोलते हैं क्योंकि शार्क टाइप से दिखती है, इसलिए इसे शार्क फिन एंटीना बोलते हैं। चलिए पानी भी दिखा देता हूँ, ताकि आप फील कर लें कि शार्क फिन एंटीना क्या होता है। मैं आप लोगों को बूट पीछे खोल के दिखाता हूँ कितना लीटर है। 419 लीटर का बूट स्पेस है इस पर, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। इसमें आपका स्पेयर व्हील यहाँ पर रहता है, स्पेयर व्हील हमेशा 1 इंच छोटी रहती है, जैसे आप इसमें देखिए 175/65R14 है। दोस्तों, आप लोग को मैं थोड़ा इंजन दिखा देता हूँ, इंजन के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। दोस्तों,
फर्स्ट मैं इंजन के बारे में थोड़ा दिखा रहा हूँ। इंजन आप देख सकते हैं, इंजन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको, देख सकते हैं आप। ABS हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये आपका ECM हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मोड्यूल्स बोलते हैं उसको, आपका एमरॉन का बैटरी हो गया, ये आपका इंजन हो गया, कपलिन हो गया, मोटर हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि 1.2 लीटर 1200 cc की इसका इंजन है। दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, 86 का पावर जनरेट करता है 113 Nm के टॉर्क पे, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, और चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है गाड़ी को। कंपनी 24 की एवरेज बोलती है, आपको 18 से 20 का एवरेज आसानी से मिल जाएगा टाटा टिगोर में, BS6 न्यू मॉडल। चलिए दोस्तों मैं आपको इंटीरियर हो गया, अब एक्सटीरियर थोड़ा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, वो मैं भी थोड़ा जान लेता हूँ और आप लोग भी थोड़ा जान लो। दोस्तों काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, देख सकते हैं आप, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आपका गेट ओपन के लिए क्रोमिंग दे देगा आपको। चारों पावर विंडो लॉक रहेगा। 1 लीटर का आप बोतल यहाँ पे रख सकते हो, और आपका सीट ऊपर नीचे करने के लिए दिया हुआ है, हाइट एडजस्टेबल बोलते हैं इसको। सीट की काफ़ी अच्छा फिनिशिंग लग रही है, देख सकते हैं, काफ़ी फर्ड है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आई पे एक बार टिगोर की टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। कितना भी लंबा आप गाड़ी चला दोगे, काफ़ी कंफर्ट गाड़ी है। स्टेयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, न्यू डिजाइन स्टेयरिंग है। ये सब स्टेयरिंग आपको जगुआर में बड़ी बड़ी कारों में मिलती हैं, जो कि आपको टाटा दे रही है कम से कम कीमत में। आपका एवी क्रोमिंग मिल जाएगा, आपका डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल जाएगा आपके। दोस्तों जैसे कि मैं बताया आपको, डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल जाएगा, यहाँ से आप इस पे देख सकते हैं। अभी ये गाड़ी 69 किलोमीटर चलेगी, इसका सेंसियल तापमान आपका 26273 किलोमीटर चली हुई है, और आपका 9 कवरेज दिया है। यहाँ पर पीछे गेट खुला है, गेट भी दिखा रहा है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हैंड ब्रेक भी दिखा रहा है। आपका इंजन को हो गया, बैटरी को हो गया, यहाँ पे आपका ग्रीन लाइट जल रही, यानी पैर टाइप्स दिख रहा है, यानी आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करोगे, यानी आप क्लच दबा के अगर स्टार्ट करते हो तभी स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर सबसे मजे की बात इसमें आपका जो ये एंड्रॉयड टच स्क्रीन है आपका, इसको इंफोटेनमेंट बोलते हैं, हरमन का इंफोटेनमेंट है। इसमें 4 स्पीकर 4 ट्विटर के साथ दिया हुआ है। नेविगेशन वगैरह सब आप इस पे से हो देख सकते हैं। इसमें जब भी आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा तो पूरा फ़ोन आपका इस पे लोडेड हो जाएगा, आप इससे सेल्फ कॉल भी कर सकते हैं। इसमें आपको पुश स्टार्ट मिल जाएगा, स्क्रीन के बगल में दिया हुआ है, देख सकते हैं आपको। कितने भी कम रेंज की गाड़ी हो, सभी गाड़ियों में आपकी टाटा हरमन की म्यूजिक सिस्टम देती है, जो कि बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम होता है। इस पे आपका चारों पावर विंडो लॉक दिया हुआ, जैसे मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। एक गेट खुला हुआ है इसलिए आपका आवाज़ आया। ये आपका पीछे का बूट स्पेस जो खोलने का दिया हुआ है, ये आपका फॉग लैम्प का दिया हुआ है। इसमें आपको टॉप मॉडल पे ऑटो एसी मिल जाएगी, ये आपका चार्जर मिल जाएगा, USB कनेक्टेड मिल जाएगा। आपका ये 5 गियर की गाड़ी है, बैक गियर मिला के 6 गियर की हो जाएगी। इसमें काफ़ी स्पेस भी दिया हुआ है रखने के लिए। आपका यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट है, जैसे पीछे लोग बैठ रहते हैं तो इतना दूर हाथ पहुंचता नहीं है, तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है, यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। का एक 1 लीटर का वाटर रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये आपका ये सीट बेल्ट का है। दोस्तों गाड़ी जब भी चलाएँ सीट बेल्ट लगा के चलाएँ। आपका क्रोमिंग वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ट्विटर है, ये आपका स्पीकर है। इसमें आपका जो बॉक्स दिया हुआ है वो कूल बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स है बोलते हैं। यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसको आप घुमा दीजिएगा जैसे आपका ये हुक है, तो यहाँ पे आपको AC के हिसाब से आपका जो भी आप सामान रखते हैं आपका ठंडा रहेगा। ये आपका मिरर दिया है, जैसे लाइट रात में आपको आँख में लाइट पड़ती है, तो इस मिरर पर आपको रात में आँख में रोशनी नहीं पड़ेगी। पूरा ऑडियो कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, माइनस प्लस यानी आवाज़ ऊपर नीचे करने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए दिया है, फ़ोन उठाने के लिए, फ़ोन कट करने के लिए दिया हुआ है।
और आपका हॉर्न बजने के लिए पहले क्या होता था कि पूरा बीच में दबाना पड़ता था, लेकिन अब आप यहाँ पर भी दबाओगे बोल रहा था मैं, आपका यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। राइट का एडजस्ट करना है तो आर पे करना होगा, लेफ्ट का एडजस्ट करना तो एल पे करना होगा, और बीच में इसको फोल्डिंग करना होगा तो बीच पे करके आपका ऐसे इस तरह जैसे फोल्ड हो गई। जैसे मैं इसको फिर से ऐसे करूँगा ये ओपन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा स्पेस है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट गाड़ी है इसमें। आपको बैक में सबसे बड़ी बात आर्म रेस्ट मिल जाएगा विथ कफ होल्डर के साथ, यानी बहुत सारे काम में आती है, आप समझ रहे होंगे। यानी दो लोग जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हैंड रख के आप जा सकते हैं, लंबा ड्राइव कर सकते हैं, कंफर्ट है। अगर तीन लोग हैं तब इसको अंदर ऐसे कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं जैसे ये लेग रूम हो गया, बहुत सारी गाड़ियों में स्पेस नहीं होता, आप इस पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। ये आपका सीट पूरा थोड़ा और पीछे आएगा फिर भी इतना बचेगा। इंटीरियर कुछ इस टाइप से दिखता है जो काफ़ी अच्छा दिखता है, लगता है एरोप्लेन का स्टेयरिंग है। और एरोप्लेन का जो सामने डिज़ाइन होता है, एरोप्लेन में बैठने का जो सीन लगता है वो सीन फील होता है। बैक में भी आपको चारों गेट में आपको एक एक लीटर का बॉटल रखने के लिए मिल जाएगा। सेंटर लॉक यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर सेंटर लॉक भी दिया हुआ है। ये आपका सेंटर लॉक है और रूफ में एक एलईडी लाइट दी होगी जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप। बाकी गाड़ियों में रेड देता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे सपोर्ट बने रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और चलाने में कैसी है, चलाने में कैसी है, आप किसी शोरूम पे जाकर ड्राइव कर सकते हैं। मैंने चलाया इसलिए इसके बारे में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं सो एक वीडियो बना देता हूँ ताकि जो भी लोग इस रेंज की गाड़ी में, जैसे आपका होंडा एमेज हो गई बहुत सा, और आपका टोटा की कोई भी एक नई गाड़ी है मुझे याद नहीं आ रहा वो होगी, उसके कंपेरिजन में जो गाड़ी है काफ़ी अच्छी है, यानी अब कम पैसे में उन सब गाड़ियों से ज़्यादा आपको फीचर्स इस गाड़ी पे मिल जाएगा। और जिस जगह पे मैं इस टाटा टिगोर की वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैसे लोकेशन कैसी है वो मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आई लव यू टू ऑल माई फ्रेंड। दोस्तों एक बार तो एक बात और कह देना चाहता हूँ, बोल देना चाहता हूँ कि कोरबा, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, उदयपुर, लखनपुर, रामानुजगंज, जसपुर के आसपास के अगर लोग, जो भी लोग होंगे, अगर वो बोलेंगे कि टाटा टिगोर मुझे चलाना है, टेस्ट ड्राइव करना है या मुझे घर में दिखाना है, तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके गाड़ी आपके घर में पहुंचवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।